निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा आरोग्य एवं परामर्श शिविर का आयोजन दिनारा पंचम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन सूर्या फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर दिनारा जिला शिवपुरी में निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा आरोग्य एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बहोन्द्र गुप्ता रहे एवं प्राचार्य कॉलेज मती प्रियंका जैन, विद्यालय प्राचार्य मती सुशीला देवी एवं जनपद सदस्य नीरज दुबे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रामेंद्र गुप्ता स्टेट कोऑर्डिनेटर INO मध्य प्रदेश ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना नेचुरोपैथी गीत एवं दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। मुख्य अतिथि बहोन्द्र गुप्ता द्वारा बताया गया कि हमें अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना चाहिए और प्रकृति के नियम का पालन करना चाहिए। स्टेट कोऑर्डिनेटर द्वारा बताया गया कि हम अपने खाने पीने में परिवर्तन कर दें और फल फ्रूट्स और अंकुरित सलाद का सेवन करें और प्रतिदिन योगाभ्यास करें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। वंश गुप्ता दिनांग्रा द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा पर स्लोगन अभी को सुनाए और वंश गुप्ता दिनारा द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा पर स्लोगन सभी को सुनाया और न्यूज़ मीडिया की ओर से रोग मुक्त भारत अभियान में अच्छा कार्य करने पर पत्रकार संजय गुप्ता बिलैया एवं दुर्गा सिंह का भी सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया गया। अंत में कैंप आयोजक सुरेश कुमार गुप्ता एवं नीरज दुबे द्वारा मुख्य अतिथि एवं रोग मुक्त भारत अभियान टीम का आभार व्यक्त किया गया। संवाददाता संजय गुप्ता बिलैया, पत्रकार करैरा की रिपोर्ट। हम लोग भी बैठे हैं, सबको पता है कि नहीं, सारी चीजें पता है। कल मैं यात्रा कर रहा था तो मेरे साथ एक मेरे साथी थे, डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी, तो वो यही कह रहे थे कि जैसे हम लोग कभी कोई अच्छी स्पीच सुनते हैं, चाहे वो विवेक बिंद्रा जी को सुन रहे हो, संदीप माहेश्वरी जी को सुन रहे हो, बीके सेवानी जी को सुन रहे हो, भारत के जो नामी ग्रामी लोग हैं, लेकिन जब सुनते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है ना, फिर एक आध दिन तक उसका प्रभाव रहता है और उसके बाद आगे फिर एक दो दिन के बाद ही हम सारी चीजें भूल जाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि साहब नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, हमें अच्छा सुखी जीवन जीना चाहिए, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, वही सारी बातें हैं, लेकिन बहुत छोटे अंतराल के बाद हम लोग फिर वही के वही पहुंच जाते, मतलब अपना जो पारा है एकदम वही के वही नीचे आ जाता है। तो जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो ये बात निकल के आ रही थी कि जैसे हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, ऐसे ही अपने मस्तिष्क को 3 टाइम भोजन की आवश्यकता होती है। आप याद करें, आपकी पिछली पीढ़ी है, बस मतलब अपने बाबा के बारे में आप सोचे जिनके साथ आप रहे होंगे, तो हम सबके घरों में प्रतिदिन शाम को आरती होती थी और रामचरितमानस का पाठ होता था, गीता महाभारत कोई ना कोई पुराण वेद पढ़े जाते थे। बिल्कुल सही है, ये बच्चों ने जरूर नहीं देखा होगा लेकिन अपन लोगों ने देखा है, लेकिन अब वो सब खत्म है क्योंकि वो शाम का टाइम टेलीविजन ने ले लिया था, फिर अब जाकर के सोशल मीडिया ने ले लिया है, तो प्रकृति से हमारा जुड़ाव खत्म हो गया। जैसे कि अपने जो बॉडी क्लॉक है, शरीर में जो घड़ी है, वो सूर्य से जुड़ी हुई है पूरी तरह से, मतलब यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और सूर्य के साथ, जैसे पक्षी हैं, जैसे सूर्य डूबता है पक्षी घोंसले में चले जाते हैं और जैसे ही सूर्य का उदय होता है सुबह 4 बजे 5 बजे वो घोंसले से बाहर आ जाते हैं, उनकी आवाज सुनाई देने लगती है, बहुत ही कर्णप्रिय संगीत हम लोग सुनते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अब तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 8-9 बजे के पहले जगते हों, मतलब लगाते हैं, ठीक है। मिट्टी चिकित्सा बहुत अच्छी चिकित्सा है, जो कि आपकी जितनी फंगल इन्फेक्शन होते हैं, स्किन की बीमारियां होती हैं, वो एक मिट्टी का लेप लगाने से ठीक हो जाती है, लेकिन हम दवाइयों पे डिपेंड हो गए हैं, थोड़ा सा ही कुछ होता है हम मेडिसिन ले लेते हैं, है ना। तो इसलिए आयुष मिनिस्ट्री का प्रयास रहा है, अभी हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना हुई है जो कि जामनगर गुजरात में, WHO और आयुष मिनिस्ट्री के साथ,
भारत में इतनी अच्छी इम्यूनिटी आपकी कैसी है कि कोविड का दौर रहा और बड़े बड़े देशों में इतनी डेथ रेशो बढ़ा तो भारत में क्यों नहीं बढ़ा? क्यों? भारत की किचन हमारी बहुत अच्छी औषधि है। जो किचन है भारत की, वो उसमें जो मसाले हैं वो हमारी औषधि तो है, है ना। तो इस पे रिसर्च हो रही है और हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई उसी के लिए हम अवेयर कर रहे हैं। हम स्वयं मेडिसिन नहीं लेते हैं, हम स्वयं मेडिसिन नहीं लेते हैं और 1000 पेशेंट कोविड के विदाउट मेडिसिन योग और नेचुरोपैथी से ठीक किए हैं, तो उसका रिजल्ट है सामने। तो हम सभी को हम यही आग्रह करेंगे कि अपने वो नेचर का फॉलो करना है। कैसे? मिट्टी चिकित्सा, पानी। आपको दो ही सिद्धांत बताएंगे कि आपको पानी पीने के तरीके आप बदल लें और खाना खाने के तरीके आप बदल लें, आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। पानी में क्या? बैठ के पानी पीना है, बैठ के पानी पीना है, घूट घूट से पानी पीना है। आप अपने पक्षियों से और पशुओं से सीखें। क्या पक्षी शाम होते ही घोंसलों में चले जाते हैं ना, और हम रात को 12 बजे तक बारिश तक चला रहे हैं, ठीक है। शाम को पक्षी घोंसले में चले जाते हैं, जब भूख हो उतना ही खाते हैं, भले ज्यादा दाना डला हो, है ना। कितना खाते हैं? थोड़ा सा ही खाते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं तो उपवास रखते हैं। क्या? फास्ट खाते हैं। आपने देखा होगा जब पशु हमारे बीमार हो जाते हैं कुछ भी नहीं खाते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा यही कहती है कि कितना? मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सभी चीजें हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर ही 5 एलिमेंट से मिलकर बना है ना। क्षेत्र, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 एलिमेंट से हमारा बॉडी बनी है। और ट्रीटमेंट भी हमारी बॉडी में ही है। हम क्या है? भटक रहे हैं। क्यों? हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई है, है ना। हमारा शुद्ध सात्विक भोजन क्या है? दाल, चावल, दलिया, रोटी, खिचड़ी, है ना। हम क्या? हॉट डॉग, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इन पे डिपेंड हो गए हैं कहने